नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, फायर ब्रिगेड नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, फायर ब्रिगेड नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, फायर ब्रिगेड नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, स्मार्ट ब्रिगेड नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, स्मार्ट ब्रिगेड नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, स्मार्ट ब्रिगेड नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, फायर ब्रिगेड नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, जम्मू में स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, जम्मू में स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बीजेपी मुर्दाबाद, 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 बीजेपी मुर्दाबाद, 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 जम्मू में स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, जम्मू में स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, जम्मू में मेरे पत्रकार बंधुओं, मेरे पत्रकार बंधु भाइयों, जैसे कि आपको पता है ये भारतीय जनता पार्टी की ये जो उसकी ये प्रॉक्सी ये गवर्नमेंट है जम्मू कश्मीर में, ये प्रॉक्सी गवर्नमेंट है हेडेड बाय लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा साहब, इसका पूरा कंट्रोल इस गवर्नमेंट का जम्मू कश्मीर का दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली बीजेपी की गवर्नमेंट है जम्मू कश्मीर में। आज आपने देखा कल हमारी एल जी साहब की जेरे क्यादत में ये जो जहाँ पे स्मार्ट मीटर का जो उन्होंने इंस्टॉलेशन की बात कही, ये हमारे जम्मू के लोगों के खिलाफ एक और तोहफा आया है, एक और गिफ्ट आया है हमारे लोगों के खिलाफ। मेरे दोस्तों, जम्मू के लोगों, मेरे सांबा के लोगों, ये जो हुकूमत भारतीय जनता पार्टी की, इससे बचो। अब ये क्या होगा, अब ये जैसे हम मोबाइल पे 400 का रिचार्ज कराते हैं, 500 का रिचार्ज कराते हैं, अब मेरे सांबा के लोगों को, जम्मू के लोगों को बिजली भी रिचार्ज कराने पड़ेगी, 2000 रुपये की, 5000 रुपये की, 10000 रुपये की। ये एक और तोहफा है हमारे लोगों के खिलाफ इस भारतीय जनता पार्टी का। मेरे प्रेस बंधुओं, मेरे जम्मू कश्मीर के लोगों, मेरे सांबा के लोगों, आपको पता जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जम्मू में टोल प्लाजा लगे, जम्मू में लीकर माफिया यहाँ पे पूरा अपने पैर पसार चुका है, क्राइम शुरू हो गया है। तीसरा, ये जो सैंड माफिया, ये जो हमारे दरियाओं में जो रेत और बजरी, ये जो माफिया तीसरा जे आ गया है। चौथा बेरोजगारी है। पांचवा DRDO के जो हॉस्पिटल बन रहे हैं, जो हमारे ट्रेन फार्मासिस्ट हैं, नर्सिस हैं, और भी जो रिलेटेड मेडिकल जो इसके बारे में जो मेरिट बेस पे आते हैं, उनको नहीं लगाया जा रहा है DRDO के हॉस्पिटल में, पैसे दे के गलत तरीके से पैसे दे के उधर लोगों को लगाया जा रहा है, और ये जो लोग मेरिट बेस पे हैं उनको नहीं लगाया जा रहा है। हम ये कंडेम्ड करते हैं, ये जम्मू कश्मीर की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो हमारे इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, ये सलाल प्रोजेक्ट, उड़ी प्रोजेक्ट, ये चंद्रकोट का प्रोजेक्ट, बिजली के ये प्रोजेक्ट है, ये हम अपील करते हैं कि ये प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में जो लगे हैं हमें वापस दो, हम ये बिजली जो हमें मुहैया कराएं। हम गवर्नमेंट से ये प्रार्थना करते हैं, अपील करते हैं, ये प्रोजेक्ट हमें वापस आने चाहिए और इसकी बिजली हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलनी चाहिए। बाकी मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जम्मू के लोगों संभलो, सांबा के लोगों संभलो, ये भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से हमारे जम्मू के लोगों का शोषण कर रही है, कत्ल कर रही है, इससे बचो। मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ आखिर में अपील करता हूँ कि जम्मू में हम जे जो सांबा में ये जो हम जे स्मार्ट जे मीटर जो लग रहे हैं 7 लाख, ये हम नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे। कांग्रेस पार्टी।